यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मेरे चैनल में गिव अवे चल रहा है, गिव अवे 16, जिसमें यहाँ पर मैं 3 विनर को सिलेक्ट करूंगी, ईच वन को यहाँ पर 500 की प्रोडक्ट्स में सेंड करूंगी। काफी सारे नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते जाते हैं तो उन लोगों को पता नहीं होता है, आगे जाके उन लोगों को ऐसा ना हो कि दीदी ने हमें तो बताया नहीं, इसीलिए मैं हर वीडियो में बता देती हूँ। जस्ट आपको करना क्या है पार्टिसिपेट करने के लिए, पिछले जो भी 5 से 6 वीडियोस गए वो और आने वाले सारे वीडियोस में आपको यू नो पूरे वीडियोस आपको ऑनेस्टी से देखने हैं, वीडियो में आपको कमेंट करनी है, वीडियो को लाइक करना है एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना है, दैट्स इट। हाई एवरीवन, माय नेम इज वन्ना। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वेलकम, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो वेलकम बैक टू माय पेज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा सिंपल बट इफेक्टिव पानी। हमारे घर में ही ऐसी कई सारी चीज़ें पड़ी होती है जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं और बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बट क्या आपको पता है कि आप इससे आपके बालों को संवार सकते हो, बालों को घना कर सकते हो। 100 में से 99% लोगों के बाल झड़ते कोई ना कोई रीज़न से, या तो पानी अच्छा नहीं आ रहा होता है, या तो आप डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, डाइट में प्रोटीन का फूड आप इंक्लूड नहीं करते हो, या तो बहुत सारे ऐसे टिप्स फॉलो नहीं करते हो, या तो कुछ मिस्टेक आप कर रहे होते हैं, राइट। बट आपके बाल झड़ते हैं, नए बाल आते नहीं, आपको हेयर ग्रोथ करनी है तो कैसे किया जाए, आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल पानी लेकर आई हूँ। आई होप कि आज के मेरे वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके बालों को यू नो रीग्रोथ करने में, आपके बालों को ठीक करने में, बालों की हेल्थ इंप्रूव करने में। तो चलिए वेट क्या कर रहे हैं, आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आज के मेरी छोटी सी रेमेडी आपको हेल्प आएगी, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज की हेयर ग्रोथ की रेमेडी के लिए, मैजिकल वाटर बनाने के लिए सबसे पहला और एक ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हमें जो चाहिए वो है मेथी दाना, जिसको फेनुग्रीक सीड्स भी बोला जाता है। फेनुग्रीक आप यू नो डेफिनेटली वो खाने में बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, बट वो बोला जाता है ना जो चीज़ कड़वी होती है ना उसके गुण बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। तो जो फेनुग्रीक सीड होते हैं ना बहुत ही अच्छी मात्रा में उसमें प्रोटीन पाया जाता है। आपके बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना हो, या तो पतले बालों से आपको घने बाल बनाने हो, या तो नए सिरे से आपको आपके बालों को उगाना हो, उस टाइम पर आपको फेनुग्रीक सीड्स को यूज़ करना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि रात में 1 से 1.5 चम्मच मेथी दाना आप भिगोकर छोड़ दीजिए, अच्छे से सबसे पहले धो लीजिए, उसके बाद आप आधा ग्लास पानी में उसको डुबोकर रखिए ओवरनाइट। मॉर्निंग में जब आप उठकर देखोगे तो आपके मेथी दाने जो फूले फूले से हो चुके होंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि ये पानी को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, छान लेना है। अब बाकी बचे हुए यहाँ पर मेथी दाने हैं वो आपको फेंकने नहीं है, आप उसको अच्छी तरीके से ग्राइंडर में ही ना ब्लेंड कर लीजिए, और उसे आप एक स्क्रब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो आपके बॉडी में से टैन को रिमूव करने के लिए, या तो डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए। काफ़ी सारी मुझे कमेंट्स आती है इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको बाकी बचे जो मेथी दाने हैं वो भी नहीं फेंकने हैं। अब यहाँ पर पानी में हमें और दो चीज़ डालनी है। सबसे पहले आपको कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का जो तेल है वो डालना है 1 से 1.5 चम्मच जितना, क्योंकि वो हेयर ग्रोथ करने के लिए, बालों को मॉइस्चर देने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है एक विटामिन ई की कैप्सूल आपको इसके अंदर डालनी है। ये पानी बहुत ज़्यादा चिपचिपा या तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनेगा, एक इतना अमेजिंग क्वालिटी का और इतना अमेजिंग यू नो बनेगा जो आपकी स्कैल्प के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर 3 चीज़ मिक्स करने के बाद आप एक स्प्रे बोतल में इसको भर लीजिए। आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो डोंट वरी, आप ऐसे ही नॉर्मल बाउल में रखकर कॉटन इसमें डिप करके आप आपकी स्कैल्प के ऊपर इस तरीके से लगा सकते हो। इसको हम यू नो आपके स्कैल्प की ट्रीटमेंट के लिए भी पानी बोल सकते हैं। अब आपको लगाना कैसे, खास करके आपको आपकी स्कैल्प के ऊपर फोकस करना है, वहाँ पर आप लगाते जाइए, हल्की हल्की आपके फिंगर से मसाज करते जाइए, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ये बहुत ही जल्दी से आपकी स्किन के अंदर, आपकी जो स्कैल्प की स्किन होती है उसके अंदर समा जाता है। ये आपकी स्कैल्प को हाइड्रेट भी करता है, मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। इसमें हमने कैस्टर ऑयल और विटामिन ई डाला है जो आपके बालों को नए सिरे से उगाने में मदद करेगा। इवन हमने इसके अंदर मेथी दाना डाला है जो बालों की रीग्रोथ के लिए, बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए और ख़ास करके बालों को थिक करने के लिए जाना जाता है। तो ये जो सिंपल पानी है जस्ट आप अप्लाई करके
30 मिनट के लिए या तो एक घंटे के लिए रख सकते हो। और ये इतना अमेजिंग वर्क करता है क्योंकि मैंने मेरी खुद की हेयर जर्नी में, जब मेरे बाल छोटे से वहाँ तक से लेकर मैंने मेरी पूरी जर्नी में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो लगाने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए एक घंटे के लिए। उसके बाद आप कोई भी माइल्ड शैम्पू जिसमें हार्श केमिकल ना हो उसे आप आपके हेयर वॉश कर लीजिए। जो भी शैम्पू आपको पसंद है या तो आप इस्तेमाल करते आ रहे हो, बट सस्ते वाले ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू ना यूज़ करो तो ही बेहतर है। उसके बाद जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाओगे कंटिन्यूसली, उसके बाद वन से एक से दो मंथ के बाद देखोगे ना, तो आपको आपके बालों के ऊपर काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा। आपके बाल नए सिरे से आएंगे इस तरीके से, छोटे छोटे बाल आएंगे इस तरीके से, आपके बालों की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। ये सिंपल वाटर आप आपके घर में एक बार बनाकर भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, तो आपको बार बार इसे बनाने की ज़रूरत ना पड़े। हफ्ते में एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग में इसे 2 से 3 बार यूज़ करना है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ यूज़ करते हो ना, तो उसका इम्पैक्टफुल रिजल्ट आपको चाहिए, विजिबल रिजल्ट चाहिए, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा उसे टाइम देना पड़ता है। तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप यूज़ करना, धीरे धीरे करके आपको खुद दिखेगा कि आपकी स्कैल्प में से छोटी छोटी जड़ें निकल रही है, आपकी जो जड़ होगी वो स्ट्रॉन्ग भी बनेगी, आपके बाल थिन में से थिक बनेंगे, ग्रोथ होगी आपकी विजिबल और लेंथ भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से सिंपल वाटर आप घर पर ज़रूर फॉलो करना। आई होप कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आए तो मेक श्योर कि एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और ये वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। सो टिल देन, बाय गाइस, सी यू एंड लव यू ऑल सो मच।